शर्मनाक हार के बाद पाक कप्तान का बड़ा बयान, बताया कहां भारी पड़ गई टीम इंडिया। चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 8 विकेट से पीटते हुए टीम इंडिया ने एशिया कप में ग्रुप ए पूल को टॉप किया। दुनिया भर की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई थी, लेकिन मैच एक तरफा रूप से हिंदुस्तान के पक्ष में रहा। भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद सामने आए और हार के कारणों पर बात की। सरफराज अहमद ने कहा कि हमारी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। हमने पहले 5 ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। हमने बीच में कुछ रन गति बढ़ाए, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो सकी। अपनी टीम की खराब बल्लेबाजी पर नाखुशी जताते हुए सरफराज ने कहा, हमने बहुत ही खराब शॉट्स का चयन किया। हमने 2 स्पिनर की तैयारी की थी, लेकिन तीसरे केदार जाधव ने हमारा पूरा खेल बिगाड़ दिया। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही मिली हार हमें सचेत करने के लिए अच्छी है। हम इसी तरह की गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। अगली बार हम और बेहतर करेंगे। पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि पहले 5 ओवरों में ही 2 विकेट गंवाना उनकी टीम पर भारी पड़ा। उन्होंने हार के लिए बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, बाबर आजम को छोड़कर हमने आसानी से विकेट बनवाए, इसलिए हमें देखना होगा कि भविष्य में कैसी बल्लेबाजी करनी है। पाकिस्तान की सलामी जोड़ी सहित 3 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बताते चले कि पाकिस्तानी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 162 रन ही बना पाई। जवाब में शिखर धवन 46 और रोहित शर्मा 52 की जोड़ी के दम पर टीम इंडिया ने 29 ओवर में ही लक्ष्य पा लिया।